आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है ये यूपी के अमरोहा की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में शौचालय में खाना रखा हुआ है और खिलाड़ी वहाँ से आकर अपनी अपनी प्लेटों में खाना लेकर जा रहे हैं और उसे खाते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें कि यूपी में 15 सितंबर को ये वीडियो वायरल हुई है और इसमें बताया गया है कि वहाँ पर स्टेट लेवल पर अंडर 17 कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें 200 खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं। उन तमाम 200 खिलाड़ियों को शौचालय में जो चावल और जो खाना रखा हुआ है वो वहाँ से खाना उनको ले जाकर खाना पड़ा है। ये परेशान करने वाली वीडियो सामने आई है, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है खेल डिवीज़न की जानेब से, खेल डिपार्टमेंट की तरफ से। बाद में जो खेल अधिकारी हैं उन्होंने इस घटना का खंडन किया, उन्होंने इसे गलत बताते हुए इसे खारिज भी कर दिया। लेकिन वीडियो आपके सामने है और ये वीडियो वायरल भी हो चुकी है कि किस तरह से खिलाड़ी जो मुल्क के लिए कल खेल कर मुल्क को मेडल दिला सकते हैं, देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, उन्हें शौचालय में यानी टॉयलेट में रखा हुआ खाना किस तरह से परोसा जा रहा है, ये सोचने का विषय है। ख़ास तौर से योगी को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर यूपी में यूपी से ही इस तरह की वीडियोस क्यों सामने आती हैं, जिसे देखकर ये लगता है, ये एहसास होता है कि यूपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहरहाल वीडियो आपके सामने देखें और कि किस तरह से वो जो 200 खिलाड़ी हैं, जो अंडर 17 की जो लड़कियाँ हैं जो कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वहाँ गई हुई हैं, अमरोहा की वीडियो है, किस तरह से उन्होंने शौचालय में जो खाना परोसा गया है वो लेकर वो खाती भी नज़र आ रही है।